तो गाइस हम लोग जा रहे हैं भैरव कुंड, तीनों, मेरा भाई, मेरी बहन और मैं। गाइस चारों तरफ लोकेशन देखिए कितना खूबसूरत है। भागो भागो भागो, पकड़े इसको। नसीम अहमद बहुत पीछे था, अभी वो हमारे आगे आगे जा रहा है। वो छोटा बच्चा है ना, इसलिए उसको आगे दिया कि तू आगे जा, कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए उसको आगे दे दिया। हाय, आज हम आहिसु भैरवकुंड पिकनिक। हकुल पिकनिकर हमत हकुल आहे या पिकनिक खाबल होय। हिंदी मत, हिंदी चल पाइना। आप को हम आहिल एने फुरी बोले, आज पिकनिक न होय, गरम दिन होय एतिया। आरो तो जाम नेचर तो आपन लोग सब बहुत भाल दिसो तात, तो हम लोग थाकिबो आपन लोग। मतलब नसीम अहमद बोल रहा है कि हम भैरवकुंड जा रहा है पिकनिक के टाइम पे, लोग जाते हैं, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं घूमने, ऐसे ही बोला ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा है कि यहाँ पे लोकेशन देख रहा था, कभी गया नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। कोई भी नहीं जा रहा है, जो सिस्टर जा रहा है वो भी नहीं गया, पहले गया था कि नहीं पता नहीं, गया होंगे पर भूल गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं कि कहाँ जाए। अभी रोड पता नहीं, इसलिए मोबाइल निकाला, मैप्स देखा तो दिखाया मैप्स ने, राइट पे जाना है हम लोग को, तो चलते हैं। तो भैरवकुंड आने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो रोड पे हम लोग जा रहे हैं ये उदलगुरी का रोड है, भैरवकुंड और थोड़ी दूर में ही है, तो दिखाएंगे गाइस। तो गाइस एक बात बताओ, कभी गया नहीं ना इसलिए रोड भूल जाता हूँ बार बार। जहाँ पे रोड तीन चार रोड निकल जाता है, जैसे कि लेफ्ट राइट निकल जाता है, तो हम लोग मैप को चेक करते हैं, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। नसीम अहमद पहले आगे जाते हैं, रोड के वो बाजू पे जाके बोलता है कि मैप चेक करो, और हम चला गए इसलिए पीछे ही रह के मैप चेक करते हैं। जैसे कि ये सामने देख रहे हो राइट साइड पर रोड है, इसलिए हमने चेक किया, तो अभी हमको दिखा रहा है सीधा। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस लेफ्ट साइड पे देखो कितना खूबसूरत एक नज़ारा है, झरना का पानी आ रहा है पहाड़ से। ये उदलगुरी का रोड का राइट साइड पे है, हम कहीं जा रहे हैं कुछ दिखाने, तो अच्छा कुछ मिला तो दिखाना तो ज़रूरी है। तो गाइस हम लोग भैरवकुंड पहुँचने वाले हैं, और 2-4 किलोमीटर है। तो गाइस फाइनली हम लोग भैरवकुंड पहुंच गए हैं। तो गाइस यही भैरवकुंड है जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे छोटा भाई सिस्टर, हम आया कम से कम 1 घंटा तो लगा ना, इतना टाइम लगा फिर भी। हम लोग 12 बजे स्टार्ट किया आना, 2 बाइक है 3 लोग है, और एक लोग चाहिए था, कोई भी नहीं मिला, इसलिए 2 बाइक 1 बाइक सिंगल आया, कोई भी आ सकता था बिंदास, लेकिन नहीं आया कोई, मिला ही नहीं कोई ऐसा। तो जो भी है गाइस यही भैरवकुंड है, हम पहुंच गए ऑलरेडी यहाँ पे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई, तीनों एक साथ यहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये भैरवकुंड, आपको लोकेशन दिखाता हूँ, जो ऊपर वाला ने बनाया वो खूबसूरत कुछ अलग ही है। तो भैरवकुंड का मज़ा देखो आप, मज़ा लोकेशन देखो गाइस, देखते रहो आप वीडियो, मैं दिखाता हूँ आपको भैरवकुंड का लोकेशन। तो गाइस मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए वीडियो नहीं कर पाया। भैरवकुंड मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं ये भैरवकुंड है, इस यही जगह है भैरवकुंड। आगे एक बाजार है, मार्केट है भैरवकुंड, पाने से पहले हम लोग आते वक्त छोड़ के आया,
उधर वीडियो नहीं खींच पाया क्योंकि वहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा था, मोबाइल हाथ में नहीं ले पाया, तो रोड थोड़ा ख़राब है इसलिए ले नहीं पाया मोबाइल हाथ पे, इसलिए मैं यहीं से बता रहा हूँ, इसी जगह पे खड़े होकर बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा भी लोकेशन के साथ साथ मैं भी कुछ बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए गाइस। तो मार्केट छोड़ के आया हूँ, मार्केट भी बहुत अच्छा है, वो वीडियो नहीं ले पाया वो सामने वाला, मोबाइल हाथ पे नहीं ले पाया। ये भैरव कुंड है जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये मेरी बहन और मेरा भाई वहाँ पे खड़े हो, बाइक पे कुछ पानी पी रहा है वो लोग, मैं यहाँ पे आ गया है। ये देख सकते हो गाइस, एक छोटा सा ब्रिज है, एक ही गाड़ी जा सकता है, एक गाड़ी, अगर एक गाड़ी सामने से या दूसरा यहाँ पे रुकना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी नहीं आ, जैसे कि आप देख सकते हो एक गाड़ी आ रहा है सामने से, एक ही गाड़ी का रोड है बस, देखो थोड़ा सा रोड बच जाता है, एक साइकिल जा सकता है, बाइक भी रुकना पड़ता है, छोटा सा एक ब्रिज है, सिर्फ इस पार और उस पार जाने के लिए दिया गया है ब्रिज। ठीक है गाइस, तो आप देखो गाइस आजू बाजू का लोकेशन, हम अभी ब्रिज के ऊपर है, जैसे कि देख सकते हो ये ब्रिज है, ये तो हम ब्रिज के ऊपर है। तो गाइस ये देखो ब्रिज के नीचे झरने का पानी आ रहा है, देखो ये पानी है, ये नदी था कि नहीं था या पहले से ऐसा ही है मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये पानी आ रहा है सामने से, वो पहाड़ से आ रहा है। एक लोग को पूछा अभी मैंने, उन्होंने बताया कि ये पानी पहाड़ से आता है, जो झरना की तोड़ पे गिरते हैं और वो आता है, यही पानी यहीं के लोग पीते हैं। ट्रैक्टर आ गया है, तो गाइस ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर बहुत आवाज़ करते हैं इसलिए मुझे वीडियो थोड़ा रुकाना पड़ा। तो आप गाइस देख सकते हो जितना तक दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये पहाड़ है सामने, पहाड़ वहाँ से पानी आता है, यही पानी यहाँ से बह के आता है, यहाँ से आता है, ये ब्रिज के नीचे से यहाँ तक चले जाते हैं, ये देखो सामने ये पूरा तक चले जाते हैं, ये ब्रिज का लेफ्ट एंड राइट साइड पे देख सकते हो, हमारे असमिया बहुत सारा तिरुता लोग, मतलब औरत लोग अपने खेत पे काम करके जा रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर से। एक गाड़ी आया था जैसे कि देख रहे हो, एक गाड़ी ये आया तो एक साइड होना पड़ा, नहीं तो रोड ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। तो गाइस और एक बात है, आप सुन लीजिए गाइस, ये सामने देख रहे हो आप, सामने एक घर दिख रहा है आपको, छोटा एक नहीं है, चार पांच घर है, मतलब एक घर का बात कर रहा हूँ, वो बोले हॉस्पिटल है, कोई बताए हॉस्पिटल है, और अगर वो हॉस्पिटल है तो स्कूल ही होंगे, अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्कूल का सामने देखा गेट बंद है, इसलिए जा नहीं पाएगा, मतलब बात कर रहे हो लोग, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस देख लीजिए अच्छे से, तो गाइस कैसे लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा गाइस, प्लीज़ इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखो कहाँ से वीडियो खींच खींच के आ रहा हूँ, बहुत रिच लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर GoPro कैमरा होता मेरा सर पे होता हेलमेट पे तो आराम से दिखा सकता था, लेकिन GoPro कैमरा नहीं है, मोबाइल से खींचना पड़ता है, थोड़ा रिक्स तो होता है ये। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर कीजिए NS ब्लॉग को। तो गाइस आगे और देखो वीडियो आपको दिखाते हैं, खूबसूरत जगह दिखाने के लिए आया और खुद देखने के लिए भी आया। तो गाइस खूबसूरत जगह बार बार देखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गाइस एक कसरी लड़की देखो, मेरा कैमरा देख के ही उसने अपनी मुंह छुपा रहे अपनी थैली से, बहुत शर्मिला है, ऐसा लड़की औरत होते हैं हर जगह पे, कोई बात नहीं गाइस, उस पर आप ध्यान मत दो, आप लोकेशन पर ध्यान दो, उसमें आप ध्यान मत दो प्लीज़। गाइस डर लगता है यार, बहुत डर लगता है, ब्रिज के इधर ही खड़ा हूँ, एक गाड़ी जाता है तो ऐसा लगता है मेरे पीठ पे लग गया। तो गाइस और देखो ज़रा गाइस ये सामने देख रहे हो पहाड़, ये पहले कैमरा पे दिखाया पर मैं ध्यान नहीं दिया, अब मेरा नज़र में आया, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है पहाड़। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो दोनों भाई बहन का कितना प्यार है, देखो आप ये उनका फोटो खींच रहा है, ये उनके फोटो खींच रही है,
बहुत मतलब जुड़ा हुआ फैमिली है, बहुत प्यार से रहते हैं दोनों। देखो आप खाली गाइस, आप खाली देखते रहो दोनों भाई बहन कैसे फोटो खींचते हैं। देखो जसीम बहुत चालू है, उसने कैमरा देख लिया है। तो गाइस भैरवकुंड जगह बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग, न्यू आया फर्स्ट टाइम आया, इतना जगह पे नहीं जा सकते। ये आप समझ सकते हो कोसारी इलाका है, कोसारी इलाका ऐसे ही बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हम लोग उतना रिक्स नहीं लेंगे। यही जगह हम लोग का लास्ट था, इतना दिखाना था, दिखा दिया। अगर हो सके अगर कहीं जाएंगे तो वो भी वीडियो दिखाएंगे आपको। ये भैरव कुंडों का नदी है, एक छोटा सा एक जंगल है, देख सकते हो यहाँ पे लोग खड़े हैं। और यहाँ पे देखो जंगल, और मैं देखो कहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं जंगल के अंदर से पानी में, ये देख सकते हो। ये गाइस पत्थर है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर। और देखो झरना का पानी, पहले भी वीडियो दिखाया लेकिन नज़दीक से नहीं था, अभी नज़दीक से दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे वाइट दिख रहा है आपको, ये पानी यहाँ से पहाड़ तक, पहाड़ से नीचे आ रहा है, मतलब पहाड़ तक ही पानी पहुँचेंगे ये तो ज़रूर है। और यहीं से जा रहा है ये ब्रिज के नीचे से उस बाजू तक। तो गाइस देख सकते हो आगे भी कुछ है, वहाँ पर जाएंगे हम लोग, वो भी दिखाएंगे। भैरव कुंडों का अलग वीडियो बनेगा और आने का अलग वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा होता है। तो गाइस बने रहो वीडियो पे, हम चलते हैं कहीं और। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा कहीं जगह पे, वो भी दिखाएंगे, आप लोग बने रहो गाइस। जैसे हम लोग जा रहे हैं, अभी सब जा रहे हैं, देखो बाइक के पास जा रहे हैं, बाइक पर चढ़ेंगे, अभी जाएंगे दूसरा कोई और जगह पर। तो गाइस हम लोग आगे जा रहे हैं, गाइस हम लोग आगे जा रहे हैं और कुछ दिखाएंगे भैरव कुंडों का, उसके बाद ही भैरव कुंडों का वीडियो एंड करूंगा, जो भी एंड करूंगा तभी बताऊंगा आपको। तो गाइस हम लोग भैरव कुंडों का और एक जगह पे आ गया है। जगह का नाम देख सो, यहाँ पे आर्मी भी है, आर्मी ऑफिसर लोग है बैठे यहाँ पे, सामने और जा नहीं सकता, स्टॉप लिखा है, वो लोग का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है, बोर्ड से लिखा है, थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया, थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। इंग्लिश उतना आता नहीं है, पर बताया क्या है आप लोग समझ लीजिएगा पढ़ के बताया। और गाइस ये दोनों भाई बहन का प्यार बने रहे हमेशा। और देखो यहाँ पे भी फोटो खींच रहा है, मैं अपना काम करो, इन्होंने अपना काम कर रहा है। तो गाइस ये आर्मी ऑफिसर के फील्ड है जैसे कि बताया। और देखो उनके सामने कितना खूबसूरत नदी है, देखो हम अभी ब्रिज के ऊपर है, ये देख सकते हो नदी, शायद लगता है हमेशा पानी रहता है इसमें, क्योंकि पानी का धार देख के पता चलता है पानी हमेशा रहता है। तो अच्छे से दिखाता हूँ गाइस आजू बाजू का लोकेशन। इस साइड पे पहाड़ भी है, इस साइड भी देख सकते हो। तो गाइस वीडियो फिर अच्छे से दिखा दो आप, देखो। तो गाइस कितना खूबसूरत नदी है, जो ये शायद मुझे लगता है आर्मी ऑफिसर का कैम है, ये ऐसा लग रहा है, बहुत सारे आर्मी लोग दिख रहे हैं, ये कैम्प दिख रहे हैं आप, ये यहाँ पे स्टॉप लिखा है। ये नदी देख रहे हो आप कितना खूबसूरत है, और उसके आजू बाजू को भी लोकेशन देखो अच्छे से दिखा रहा हूँ। बाइक खड़े है मेरा, और देखो सामने रोड भी ज़बरदस्त बना है, ये पहाड़ है सामने एक छोटा सा। और देखो रास्ते का लेफ्ट साइड का नदी दिखाया, लेफ्ट साइड का ये दिखाया अपना खूबसूरती, और राइट साइड का भी देखो आप, जैसे कि हम ब्रिज के ऊपर ही है, राइट साइड पे आया अभी, देखो ये देख सकते हो कितना खूबसूरत है। नदी बहुत बड़ा है, बीच में ज़मीन फंसा हुआ है, घास है, उसमें पत्थर भी है, शायद डाल दिया गया है इसलिए पानी दो साइड से जा रहा है, बीच में मिट्टी है, बहुत तगड़ा मिट्टी है। और ये देखो कितना ऊंचाई पे है ये पानी जा रहा है धार, राइट साइड से दो नले पे जा रहा है पानी, और लेफ्ट साइड पे एक ही नले पे जा रहा है। सामने और एक ब्रिज है, देखो सामने देखो कितना खूबसूरत लोकेशन है, देख सकते हो आप। वो थोड़ा सा आगे पहाड़ है, देखो
पहाड़ पे नहीं जा सकते, वो दूर है, वहाँ जाने का रोड ही नहीं है। यही है भैरव कुंडो, अच्छा ही है, बुरे नहीं, अच्छा ही है। कितना खूबसूरत बनाया गया है, देखो जंगल हरा भरा एकदम, बीच में आर्मी सर का कैम्प है, आर्मी का कैम्प, सामने और एक ब्रिज है, देखो कितना खूबसूरत है। ये देखो इसी रोड से जाके आर्मी सर का कैम्प पे घुस जाओ, वहाँ पे जा नहीं सकता, जाता तो कुछ बोलता। तो भाई छोटा भाई नसीम ने एक बात बोला है, एकदम प्यारा सा बात बोला, जो कि भाई तुम फेसबुक के लिए फ़ोटो क्यों नहीं लेते हो, यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा है, फ़ोटो खींच लो, ऐसा बोल रहा है मुझे। अच्छा बात बोला है, फेसबुक पे पेज खोल लिया तो फ़ोटो भी छोड़ना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो परवीन, परवीन फ़ोटो खींच रहे हो, क्या बोलते हो, फ़ोटो खींचना चाहिए कि नहीं, गलत है, अच्छा है कि बुरा है, फ़ोटो खींचना अच्छा है। परवीन बोल रहे हैं फ़ोटो खींचना अच्छा है, तो कहे चलो हम भी फ़ोटो खींच लेते हैं, ज्वाइन करते हैं इन लोग के साथ। तो गाइस भैरव कुंडो आर्मी का कैंप के पास ही हम लोग हैं, यहाँ पे फोटो लिया और वीडियो भी लिया थोड़ा बहुत, तीनों मिल के, और अभी जा रहे हैं दूसरा कहीं। तो गाइस हम लोग और एक जगह पे आया गया, यहाँ का भी लोकेशन देख सकते हो, और इस जगह और उस जगह जो पहले दिखाया दोनों कनेक्शन है, पानी भी कनेक्शन है। तो गाइस लोकेशन बहुत भारी है, और गाइस एक बात बताऊँ, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो हम लोग शॉर्ट पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई देखते नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो अगर बनाएंगे वो भी डालेंगे यूट्यूब में, ये पहला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो अगर होगा तो डालेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एनएस ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, बाय गाइस। पार्ट टू जरूर देख लेना भैरव कुंडो का, ये 1 है।